रूम टेम्परेचर पर बेंजीन एक रंगहीन द्रव है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है। प्राकृतिक रूप से ये क्रूड ऑयल में पाई जाती है, यानी कच्चे तेल में, और इसकी खुशबू पेट्रोल जैसी होती है। एटॉमिक लेवल पर बेंजीन कार्बन के 6 एटम्स से बनी होती है। सभी कार्बन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजक बंध, जो इसे एक रिंग का शेप देते हैं। सभी कार्बन एटम्स एक हाइड्रोजन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं, इसीलिए ये हाइड्रोकार्बन है। सामान्यतः कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन में सिर्फ 3 बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे अणु का व्यवहार काफी दिलचस्प है। प्रत्येक कार्बन एटम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिंग में कॉन्जुगेटेड हो जाता है। इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स सभी 6 कार्बन एटम्स में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, और इसीलिए बेंजीन में एरोमेटिक प्रॉपर्टीज हैं। एमंथा ने सोचा था कि एरोमेटिसिटी का मतलब अच्छी खुशबू से है, जो कभी कभी ही सच होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका मतलब मॉलिक्यूल्स का रिंग शेप में कॉन्जुगेशन से है। बेंजीन को एरोमेटिक सिद्ध करने के कई तरीके हैं। मॉलिक्यूल्स का रिंग शेप में कॉन्जुगेशन एक उदाहरण है। कई बार आप किताबों में बेंजीन को इस तरह बनी हुई पाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा सिर्फ आसानी के लिए किया जाता है। कार्सिनोजेनिक होने के कारण, यानी कैंसर की वजह होने के कारण, बेंजीन खतरनाक साबित हो सकती है। इसकी समुचित मात्रा से कैंसर हो सकता है। मजा तो तब आता है जब हम बेंजीन रिंग्स को दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जोड़ते हैं। कई महत्वपूर्ण और उपयोगी दवाइयां इस तरह से बनाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पे एक पेन किलर एस्पिरिन लिया है। ये पेन किलर दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर है। यहाँ पे याद रखने लायक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बेंजीन के साथ एडिशन रिएक्शन लगभग नामुमकिन है। एडिशन ड्रिंक की एरोमेटिसिटी को खत्म कर देता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसमें सामान्यतः सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाला एलिमेंट इसमें से प्रोटॉन को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। इस अभिक्रिया में अणु की एरोमेटिसिटी पे कोई असर नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन एक से ज्यादा बार भी हो सकता है। इस केस में बेंजीन को मोनो, डाई या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन के लिए किस प्रकार के अणुओं परमाणुओं की आवश्यकता होती है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बाहरी अणु या परमाणु किसी एक कार्बन एटम की जगह लेगा, और इन कार्बन एटम्स के चारों ओर बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। वीडियो रोक के इस पे विचार करें, फिर आगे बढ़े। इसके लिए हमें इलेक्ट्रोफाइल यानी ऐसी चीज की आवश्यकता होगी जो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। बेंजीन बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल यानी स्थिर अणु है, इसलिए हमें एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोफाइल की आवश्यकता होगी। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें सामान्यतः पॉजिटिव चार्ज वाले किसी अणु या परमाणु की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी Cl+ यानी क्लोरीन एटम से बने कैटायन के बारे में, या इस नाइट्रोनियम आयन NO2+ के बारे में सुना है? जी हाँ, ये सभी होते हैं, और इनका इस्तेमाल बेंजीन केमिस्ट्री में बड़े स्तर पर किया जाता है। वास्तव में शक्तिशाली विस्फोटक ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन या डायनामाइट बनाने के लिए नाइट्रोनियम आयन की अभिक्रिया बेंजीन से कराई जाती है।